समस्त भक्त लोगों की सेवा में मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले क्योंकि हम माँ श्री की शताब्दी मना रहे हैं तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हम अपनी बात की शुरुआत माँ श्री घटना से करें। बातें बहुत सी है, सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बातें बहुत सी है और मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बात को क्लोज करना चाहिए तो आप थोड़ा संकेत दीजिए तो हम बात को, ये तो हर एक अनंत है, कथा अनंत है, उसका कहीं अंत तो है। इसके वक्त की मर्यादा को देखते हुए जहाँ भी उसको क्लोज करना चाहें कर लें। तो आइए सबसे पहले माँ श्री की वंदना करें, प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण में त्र्यंबके गौरी ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपे, ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपे, द्रुत सिद्धि प्रदे द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे ब्रह्म शिव की शिवे, हे ब्रह्म शिव की शिवे, हे परम चेतना नारायणी, हे सर्वमंगलों की माता, हे सर्वमंगलों की माता, हे सर्व अर्थों की विधाता, हे तीनों लोकों की त्राता, परम द्रुत सिद्धि परमानंद दाहार माँ, जन्म तूने दिया पालन पोषण हार तू, प्राण बन हम में, प्राण बन हम में समाई, प्राण बन हम में समाई, हर दिल में धड़कती है तू, हर दिल में धड़कती है तू, महातेज तेरा सर्वत्र, महातेज तेरा सर्वत्र, गति हमारी गति हमारी गंतव्य तू, गति हमारी गंतव्य, अंश अंश अंशी अंश अंशी से सबसे पहले तो मैं
झवा के भक्तों को, झवा की भक्तों को, झवा की समाधि को, झवा की धरती को मैं नमस्ते प्रणाम। माँ श्री की शताब्दी का जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है वो दो चार रोज की बात नहीं है, महीनों महीनों से इसका चिंतन, इसका विचार, इसकी आयोजना, इसकी योजना बन रही थी। हर आदमी, हर भक्त, हर भाई, हर बहन इस बात के लिए उत्सुक था कि हम हमारी माँ, हमारी मातेश्वरी की शताब्दी को कैसे अच्छा से अच्छा, सुंदर से सुंदर, सबको आनंद हो, सब अभिभूत हो जाए, सब परमात्मा से एकाकार हो जाए, ऐसे हम किस प्रकार से जाए। इस लक्ष्य को लेकर के आप चले, मैं ज्यादा तो कुछ जानता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने इस लक्ष्य को बहुत कुछ अंशों में सिद्ध कर लिया है, पा लिया। ये जो नजारे हम देख रहे हैं यहाँ आकर, भगवान के प्रति भाव के जो नजारे, भगवान के प्रति भक्ति के जो नजारे, भगवान के प्रति जो प्रेम के नजारे, भगवान के प्रति भावभीत हो, भावभूत होकर के, भावभूत होकर के और किस प्रकार के भाव होते हैं, किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज होती है, किस प्रकार की इन्हें सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, आपको भारी नहीं है कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कुछ चिंता नहीं, कुछ परवाह नहीं, सिर्फ एक परवाह, एक चिंता कि माँ के श्री चरणों में हमारा प्रणाम पहुँचे। इतना बड़ा काम आपने किया है, ये बहुत युवा कर, ये जो थाती आपने झाबा को और भक्तमंडल को सौंपी, ये थाती एक दिन की नहीं, ये थाती वर्षों वर्षों तक और मैं कहता हूँ कि युगों युगों तक चले। आपने ये जो बीज होया है, ये बीज वट वृक्ष बन करके हजारों लाखों लोगों को ठंडी छाया देने वाला है। ये एक बार और मैं माश्री के संदर्भ में कहूँगा, दिल में उबार तो बहुत है और कहने से लोग भी नहीं पाएंगे, कहना है और अपना परिवार है, अपने भाई हैं, अपने बहन हैं, अपना घर है, इससे बड़ा और इससे सुंदर अपना घर और क्या हो सकता है। तो जो कहना है कहता हूँ, समय कि मैंने रुपये भाई को कह दिया है कि समय को तो आप जरा इशारा कर दीजिए। तो माश्री के संदर्भ में मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि माश्री से पूछा था किसी ने, किसी भक्त ने, कि आपके पधारने के पश्चात आप हमारे साथ हैं, ऐसा एक बार वचन माश्री ने कहा था, माश्री के मुंह से ये वचन था कि आप तो सत्य छे सदा नमाते छे, ये माश्री का वचन माश्री के मुंह से कि आप तो सत्य छे सदा नमाते छे। तो माश्री को किसी भक्त ने पूछा कि आपके पधारने के बाद हमें कैसे ये समझ में आएगा कि आप हमारे साथ, कि आप उपस्थित हैं, कि आप हाजिर। तो उसका बड़ा सुंदर जवाब दिया था मान, बहुत ही सुंदर जवाब दिया था, कहा था कि जब तुम्हारे मन में मेरे प्रति ऐसा आकर्षण हो कि आप उसको रोक भी नहीं पाओ, आपके दिल में मेरे प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ता ही चला जाए और आप उस आकर्षण को रोक ही नहीं सके, उस आकर्षण के पीछे आप पागल हो जाए, तो वो समझ लेना कि मेरी हाजिरी, मेरी उपस्थिति।
से देख रहे हैं, हम धन्य हैं उस आपने हमको, आप लोग धन्य हैं कि आपने हमको उजालों से नहला दिया है और हम गदगद हैं, हम प्रसन्न हैं। बातचीत के दौरान गोपाल प्रभु ने फरमाया था कि कहाँ को जंत्रा, कहाँ जंत्रा, कहाँ भरूच, और कहाँ कोटेश्वर, और कहाँ झाबुआ। वाले प्रोग्राम कोटेश्वर में भी मंदिर बनाने के पहले ऐसा चला था मामला, पर उन्होंने फिर कहाँ तो जंत्रा, कहाँ भरूच, और कहाँ कोटेश्वर, में कहाँ झाबुआ। तो प्रॉपर्टी प्रेजेंस हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य थे, भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले भक्तों में से तीनों महाप्रभुओं के साथ घनिष्ठ संपर्क रखने वाले शंकर भी, जिस आदमी ने सबसे पहले घनश्याम प्रभु को प्रभु कह करके संबोधित किया था, वे हमेशा वो पहले व्यक्ति थे इस दुनिया में जिन्होंने घनश्याम प्रभु को प्रभु कह करके संबोधित किया। वे जब भी मंदिर के सामने से निकलते थे भगवान झूले पर विराजमान रहते थे और शंकर भाई का घर बिल्कुल सामने ही है, तो सामने के घर से जब वो गली में से निकलते थे तो प्रभु कहकर के भगवान को संबोधित करके निकलते थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान को प्रभु के रूप में, उन्होंने एक बार कहा, एक प्रकार से तीनों महापुरुषों की परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बड़े बाप जी भक्ति की प्रणता, छोटे बाप जी ज्ञान की प्रणता, ज्ञान की प्रणता, और गोपाल प्रभु वैराग्य की। अब गोपाल प्रभु के जीवन में वैराग्य कितना और कैसा था इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो शायद इसके बारे में थोड़ा उनका अनुमान कम होगा, तो उस संबंध में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारे जो भरूच का मणिपुर का जहाँ पर की हमारी परमेश्वरी हमारी मातेश्वरी विराजमान है, वो जो स्थान था वहां पर भगवान के परम वैराग्य के कारण, क्योंकि वैराग्य से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। वैराग्य जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है अध्यात्म का, मेरी समझ। तो वहां इतना घनीभूत वैराग्य था मणिपुर में कि वहां पर हमारा जाना, वहां पर हमारा रहना, वहां पर श्री प्रभु के चरणों में प्रणाम निवेदित करना, वही एक तरह से हमारी अंतर यात्रा होती थी। वह एक तरह से हमें आत्म तत्व की जागृति की शुरुआत होती। वहां जाने के बाद सोचना नहीं पड़ता था आत्म तत्व के बारे में, वहां जाने के बाद आत्म जागृति के बारे में कुछ चिंता नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक आत्म जागृति
का सिलसिला चालू। जैसे आप सूर्य के पास खड़े हैं, सूर्य के सामने खड़े हैं, तो आपको सूर्य को कहना नहीं पड़ता है कि मुझे गर्मी हो, वो तो आप सूर्य के सामने खड़े हैं तो गर्मी आपको मिलेगी। यदि आप पानी के पास खड़े हैं तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ठंडाई दूँ, वो तो ठंडाई मिलेगी। यदि आप फूल के वृक्ष के पास, फूल के पौधे के पास खड़े हैं और आप कहें अरे भैया हमको सुगंध दो, अरे कहने की क्या जरूरत, आप बस खड़े हो जाएंगे आपको सुगंध मिलेगी। इसी प्रकार से आप हमारे महादेश्वरी के का जो धाम था वहां पर जाकर के आप बैठ जाइए, वहां पर जाकर के आप अपने प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाइए और सब कुछ हो जाए। बड़ी से ऐसा लगता था न आपको आपका घर याद आता था, न आपको आपके दुख याद आते थे, न आपको आपके रिश्तेदार याद आते, न आपको आपकी पीड़ाएं याद, न आपको खुद याद आता था, आप अपने आप को भी याद नहीं कर पाते, आप अपने आप को भी भूल जाते। ऐसी समाधिस्थ स्थिति की अनुभूति हमारे माधवी के चरणों में ब्रज में मणिपुर में सब भक्तों को भी और सब भक्तों ने इस चीज को महसूस किया होगा। तो मेरे जो प्यारे बच्चे नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, उनको मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि ये कितनी बड़ी खाती है, ये कितना बड़ा वरदान है, आप इसको छोटे में मत लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है कि इसको स्वयं माँ आकर के समझा तो नहीं समझा पाए, ये ऐसी चीज है। इसलिए आप अधिक से अधिक जितना भी आप तन्मय होकर के माँ श्री के प्रति सद्गुरु त्रिमूर्ति के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकें कीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। आप जितना देंगे उससे हजार गुना मिलेगा, इसकी गारंटी है। अब जरा थोड़ा दूसरा पक्ष लेना चाहता हूँ कि माँ ने तो इतना दिया, इतना दिया सुख, इतना सुख, इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना आनंद दिया कि आज हम उसको समेट भी नहीं सकते। माँ को एक बात, इन महापुरुषों को कभी गरूर, कभी अभिमान नहीं होता है, कभी अहम नहीं होता है, लेकिन एक अहम माँ श्री को था, एक अहम माँ श्री को था, हरा भला सुखी, हरा सुख लो रोक लो, हरा मतलब साले 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 सब सुखी है, अपनी हिंदी भाषा में साले सब सुखी है और साले सब सुखी रोक लगे, इस बात का बड़ा भरेगा, इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा होता देखने वाली ये माना। और ये बात जो है नी रणछोड़ भाई लिमखेड़ा वाले को कही थी, तो रणछोड़ भाई लिमखेड़ा वाले यहाँ झाबुआ में आए थे तो मोटा विज्ञान सभी करते थे तो अच्छा था उन्होंने कि वहाँ से एक आध कोई को कोई तकलीफ हो तो बोले यूँ, मतलब कोई को कोई तकलीफ हो तो बोले, वो सर्वे करना है। एक बार फिर से जरा आपने जो अभी बोला ना, आपने अभी जो बोला हम सुन नहीं पा रहे, बना सुखी थी ने सुख लो रोक लो खाई, उसको अपनी टूटी फूटी हिंदी में सारे सब सुखी हैं और सब सुख का रोटला खा रहे हैं, ये नाच था उनको, ये अभिमान था उनको। तो ये जो वरदान माँ ने दिया है, इस वरदान को देने वाली माँ का जो जीवन था, उस जीवन के ये थोड़ी करुण बात है लेकिन मुझे कहना पड़ेगी कि उन माँ का जीवन अग्निपथ था,
आग से होकर के गुजरने वाला रास्ता। अब महाशी के जीवन के बारे में बात कर रहा हूं, उनका जीवन अग्नि पथ था। उनके जीवन के ऊपर बच्चन ने, जो अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय, उन्होंने चार पंक्तियां माँ के जीवन के ऊपर नहीं अलग से लिखा, वो चार पंक्तियां माँ श्री के जीवन पर पूरी 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 लागू होती है। आप सुनिए चार पंक्तियों, ये चार पंक्तियों में माँ का पूरा जीवन परिभाषित हो रहा है। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये हमारी माँ का जीवन, हमको सुख दिया, शांति दी, प्रेम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अपने जीवन के अणु अणु को, अपने जीवन के रोम रोम को हवन बना करके जिस माँ ने झोंका है वो ये हमारी माँ, जिनकी हम शताब्दी बड़े प्रेम से और आनंद से मना रहे। माँ श्री के अग्निपथ, इतने घने वृक्ष के घने पेड़ की छाया में माँ खड़ी थी, घने वृक्ष की छाया में, पर एक पत्ते की छाया भी उनको उपलब्ध नहीं थी, एक पत्ते की छाया भी उनको उपलब्ध नहीं थी। पीहर में माँ श्री श्री शंकर जी पंड्या की सुपुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन छोटी शिशु उम्र में ही माँ का देखा उसका। जिस शिशु के जीवन से माँ चली जाए तो फिर माँ बचता है, वो तो जीवन ही चला है। खैर, इस आघात को इस शिशु रूप में हमारी माँ ने सहन किया, लेकिन परमात्मा जो बड़े पात्र होते हैं, ऊंचे पात्र होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ पात्र होते हैं, उनके ऊपर प्रेम की बोछार नहीं करते, आघातों की बोछार करते, उनको घड़ने के लिए, उनको बनाने के लिए। तो माँ का विरह होना ये आघात तो था ही, लेकिन कुछ ही दिनों में विमाता आ गया। अब विमाता कितनी भी अच्छी हो गई है, विमाता तो विमाता है, माता तो माता होती है, विमाता है। वो रविकांत, मास्टर का नाम रविकांत, रविकांत को बढ़िया से बड़े छोटी उम्र हो गई थी, 8-7 साल से बढ़िया कपड़े पहनाते थे, एकदम चकाचक कपड़े पहनाते थे, ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए कि भाई छोरी को अच्छा लगे, बढ़िया कपड़े पहनाते। लेकिन घर के काम काज में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होने देते। वहां से माश्री का जीवन प्रारंभ। अब यहाँ से इन आघातों को चलते चलते माँ जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक भाई का जन्म होता है, विमाता। वो भाई जो है एक पूर्व जन्म के कोई योगी थे, न कुछ जानते थे, न कुछ समझते थे, न कुछ करते थे, न कुछ बोलते थे, बस बैठे रहते थे। मन में आया तो कुछ किया, मन में नहीं आया तो कुछ नहीं किया, बस बैठे रहते, कुछ नहीं करते। उनकी देख रेख कर
मासी के ऊपर इन परेशानियों से मासी थोड़ा निबटते न निबटते मासी की सगाई हुई, शादी हुई, छोटी सी उम्र थी मासी, 9-10 साल की उम्र थी। अब जंत्राल बनाने अब जंत्राल में परेशानियों के दूसरे सिलसिले तैयार हो गए। खाना पीना सीना फिरना पानी भरना कपड़े धोना दुनिया भर के काम गर्म घट्टी पीछना महीने भर की नहीं यदि मासी को पीहर जाना होता था तो महीने भर का पिसाना वगैरह सब करके रखे धर नहीं तो जाने की मनुष्य नहीं और 7 दिन के लिए एक जाने का कह करके गए और 7.5 दिन में आए तो घर में एंट्री बंद। कमला बाप बड़े बाप जी की जीवन सुनी वो थोड़े गलत हुआ तो गोपाल प्रभु ने मुझे बताया कि वो इतने कड़क स्वभाव के थे इतने बार बार पर नाराज होते थे कि कांपना पड़ता था मुझे। बाजरे की रोटी बना रहे हाथ से घड़ करके बनाना पड़ती थी, हाथ से घड़ करके बाजरे की रोटी बना रहे हैं आड़ी टेढ़ी बन गई तिरछी बन गई आड़ी तिरछी बन गई तो उसको तोड़ मोड़ करके चूल्हे डाल देते क्योंकि बाहर देख रही है अभी 12 बजा रहे। तो इस प्रकार से मासी का जीवन आप देखिए वहां क्या होता था। ये जो फ्रेंड्स इनको भी हमें देखिए महापुरुष का जीवन किस प्रकार से घटित होता है किस प्रकार से बनता है किस प्रकार से संवरता है किस प्रकार से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए महापुरुष को क्या क्या कीमतें चुकाना पड़ती है ये अपने को देखने और समझने की बात है। इसीलिए सत्य पुरुष ने तो कहा भाषण ने कहा है कि आज सत्य पुरुष से અને આ સત્ય પુરુષના જીવનમાં લૂંટાવા ને ખૂટાવાના સિવાય બીજું કઈ નથી તો એસા જીવન માસી કા હિયર મે સુસરા મે બહુ જ્યાદા ડિટેલ્સ મે આપકો એક આઈડિયા દેના ચાહતા હું કે કિસ પ્રકાર સે આઘાતો પરેશાનીઓ ઓર પરીક્ષાઓ કા કી સતત શૃંખલા માસી કે જીવન મે प्रारंभ से जब से उन्होंने इस धरती पर सांस ली और जब तक उन्होंने इस धरती पर अपनी अंतिम सांस ली तब तक उनकी परेशानियों का और उनकी परीक्षाओं का सिलसिला सतत चलता और ऐसी परेशानियों के बीच में गुजर करके जिस माँ ने हमको इतना प्यार दिया इतना प्रेम दिया उस माँ को हम क्या कहें उसकी उसके उसके ऋण का बाल बराबर ऋण भी हम चुका सकेंगे कि नहीं चुका सकेंगे ये एक थोड़ा एक प्रश्न वाली बात है। एक बड़ा भरे सुख मासी ससुराल में आने के बाद युगों युगों से मासी जिस दिव्य मूर्ति के दर्शन करना चाहते युगो युगो से मासी जिस दिव्य विग्रह के साथ लेना चाहते वो प्रभु श्री के रूप में उनको प्राप्त हुआ। वो जो पत्ता भर छाँ उनको मिल रही थी ना वो पत्ता भर छाँ प्रभु श्री के सानिध्य के रूप में मासी मासी प्रभु श्री से मतलब घनश्याम प्रभु से इतने अभिभूत एकाग्र थे कि उनसे एक क्षण का विरह भी उनको मंजूर नहीं था। यदि कोई उनको पूछे
कि क्या आप प्रभु को याद कर रहे हैं, तो वो ये जवाब दे सकती थी कि मैं प्रभु को याद नहीं कर रही हूँ, मैं प्रभु को भूलने की कोशिश कर, क्योंकि मैं प्रभु को भूल नहीं सकता। बड़ा जबरदस्त